अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंसान को अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने अपनी इबादत के लिए यहाँ दुनिया में भेजा, और लोग अलग अलग तरीक़ों से उसकी इबादत करते हैं, अलग अलग मज़ाहब के लोग उसकी इबादत करते हैं। दुनिया में तमाम मज़ाहब के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं, और अपनी अपनी इबादत गाहों में वो इबादत करते हैं। अल्लाह का ये बड़ा फ़ज़ल है कि उसने तमाम इंसानों को एक जैसा बनाया और सारी मखलूक को एक जैसा बनाया। उसी तरह अल्लाह ने उनको अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। लोग अपने अलग अलग तरीक़ों से उसकी इबादत करते हैं और यहाँ दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडिया के मध्य प्रदेश में, उसके शहर भोपाल, जो नवाबों का शहर कहलाता है। यहाँ पर भी एक मस्जिद तामीर की गई है, बेगम ऑफ भोपाल, शाहजहाँ बेगम ने, नवाबों का शहर कहलाता है। यहाँ पर एक दुनिया की तीसरी मस्जिद, सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद होने का शर्फ हासिल है ताजुल मस्जिद को, जिसको नवाब शाहजहाँ बेगम ने 1887 में इसको बनाना शुरू किया था। और बाद में जिस वक्त वो ये मस्जिद बना रही थी, उस वक्त उनकी माली हालात कुछ उतनी ख़ास नहीं थी। इस वक्त उनकी मौत के बाद उनकी बेटी सुल्तान जहाँ बेगम ने इसकी तामीर जारी रखी। इस मस्जिद में कुल मिलाकर 2.25 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं, और इस मस्जिद में 27 गुंबद हैं और 9 मीनार हैं जो खोखले गुंबद हैं। इस मस्जिद को तामीर करने के लिए कई लंबा अरसा लगा इसको, और यहाँ के जो नवाब थी, बेगम ऑफ नवाब जो कहलाती थी, वक्फे वक्फे से वो लोग इसकी तामीर करते रहे। तो चलिए इसमें देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद होने का शर्फ इसे हासिल है, और बड़ी खूबसूरत, बड़ी मज़बूत पत्थरों से बनी हुई ये मस्जिद है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद को। आर्किटेक्ट थे, उनका नाम अल्लाह रखा था। और इस मस्जिद का जो मेन डोर है, मेन दाखिली दरवाज़ा जो है, उसकी ऊंचाई 74 फीट ऊंचा दरवाज़ा है ये। और यहाँ पर ईद की और जुमा की नमाज़ जो पढ़ाई जाती है। कुल मिलाकर मस्जिद और मस्जिद के बाहर हिस्से में और बाहर का जो ग्राउंड है, 2.25 लाख लोग बआसानी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और भोपाल के अतराफ के सारे इलाके के लोग यहाँ पर नमाज़ के लिए आते हैं और अपनी इबादत। मस्जिद के सामने ये देखिए, ये बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर भी नमाज़ होती है, और यहाँ ये वज़ू खाना है। ये पूरा ग्राउंड जैसा है ये बना हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, किसी के नाम से ये मंसूब किया हुआ है। ये इनके छोटे छोटे रूम्स हैं। ये पूरे मस्जिद के अतराफ़ आप देखेंगे, ये पूरे छोटे छोटे रूम्स हैं। ये देखिए, बड़ा सा हाउस है ये, वज़ू करने के लिए नमाज़ पढ़ने से पहले साफ़ पानी से वज़ू किया जाता है। ये बड़ा अच्छा हाउस यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर। इस मस्जिद को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। बड़ी तारीख़ी मस्जिद है ये, बड़ा मशहूर शहर भोपाल मध्य प्रदेश का, जो नवाबों का शहर कहलाता है, बेगम ऑफ भोपाल का शहर है ये। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक शाहकार दुनिया के लिए बनाकर छोड़ दिया। बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलकश नज़ारा रहता है यहाँ पर, और लोगों का आना जाना लगा रहता है मस्जिद देखने के लिए। टूरिस्ट प्लेस की तरह अभी ये इस्तेमाल होती है, और काफ़ी मज़बूत और काफ़ी अच्छे पत्थरों से, लाल पत्थरों से इसको तराशकर इसको बनाया गया है। और ये पत्थर गर्मियों में बड़े ठंडे होते हैं, यहाँ गर्मी का एहसास कम होता है।
ये देखिए इसका दाखिली दरवाज़ा ही मेन एंट्रेंस है ये, जो मस्जिद के अंदर हिस्से में जा सकते हैं इस दरवाज़े से, ये खुला ही है। और आप यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा झूमर फानूस यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है ये पूरा लाल पत्थर से तराश कर इसको बनाया गया है। ये आप जो गुंबद देख रहे हैं ऐसे 27 गुंबद हैं, खोखले गुंबद कहलाते हैं ये। ये देखिए कितना दिलकश नज़ारा है मस्जिद का। ये कुछ बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हुए, कुरान शरीफ की तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये झूमर है, ये काफ़ी बड़ा है ये साइज़ में, 30 से 40 फुट इसका साइज़ इस गुंबद का। ये पिलर देखिए, इसकी नक्श देखिए, नक्शकारी देखिए इसकी, ये पत्थरों से तराश कर इसको बनाया गया है। ये मस्जिद का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा है ये देखिए ये सामने का नज़ारा है मस्जिद का। ये जो ग्राउंड है, खाली जगह है पूरी। इस मस्जिद का कुल एरिया 430,000 स्क्वायर फीट में ये मस्जिद बनी हुई है। कुल 2.25 लाख लोग इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर का जो हिस्सा है, जो ग्राउंड है जहाँ पर पार्किंग है, वहाँ कुल मिलाकर 2.25 लाख लोग बआसानी इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद को इसी तरह दिन भर सफाई का ख्याल भी रखा जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कचरा या कुछ गंदगी हो जाती है। तो यहाँ के जो खादिम हैं वो मस्जिद को बाकायदा हर 2 घंटे 1 घंटे में सफाई उसकी करते रहते हैं उसकी। देखिए ये अंदरूनी नज़ारा है मस्जिद का, पूरा लाल पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप इसकी छत देखिए, पूरे लाल पत्थरों से, बेगम ऑफ भोपाल का ये तोहफा है मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो इस तरह की चीज़ों को देखने के शौक़ रखते हैं, जो हिस्ट्री से लगाव रखते हैं और मुग़ल कल्चर है इसके अंदर। आप देखते हैं, देखते रहिए, पूरा पत्थरों से, पूरे पत्थरों को तराश कर ये बनाया गया है। पत्थर के अलावा इसमें किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये देखिए ये जाली नुमा एक दीवार है, जाली है, ये भी पत्थरों से तराश कर बनाई गई है। देखिए क्या खूबसूरती से पत्थरों को तराशा गया है। देखिए मैं बाहर हूँ मस्जिद के बाहर, जो खुला मैदान जैसा जो एरिया है, और कितना बड़ा आप देख सकते हैं, कितना बड़ा ये एरिया है इसका। बेगम ऑफ भोपाल ने ये मस्जिद तामीर की है, तो जाहिर सी बात है
औरतों के लिए भी नमाज का इंतज़ाम उन्होंने कर रखा है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है, आप ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये औरतों के लिए है, लेडीज़ के लिए। यहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है नमाज़ पढ़ने के। देखिए, ख़ास बात इसमें यह है, इस मस्जिद में यहाँ पर आपको फ़ैन नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल, यहाँ पर पंखे बिल्कुल नहीं है। ये छोटे से ये फ़ैन यहाँ पर लगे हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर गर्मी का एहसास बहुत कम होता है, क्योंकि पूरी पत्थर से बनी हुई है, इसलिए गर्मी बहुत कम होती है। ये छोटे छोटे पंखे यहाँ लगे हुए हैं और ये छोटे छोटे लाइट्स लगे हुए हैं, उजाला भी काफ़ी आता है, तो ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पर। यह है मस्जिद के बाहर का हिस्सा, देखिए ये कुछ यहाँ पर गार्डन है, और ये अंदर और बाहर दोनों हिस्से मिलाकर 2.25 लाख के आसपास नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। जुमा और ईदैन में यहाँ पर बाहर भी यहाँ पर नमाजी आते हैं, कुल मिलाकर 2.25 लाख के आसपास यहाँ पर नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको बताता चलूँ, एशिया में ये सबसे बड़ी मस्जिद है, ये मस्जिद होने का जिसे शर्फ हासिल है। तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी इससे बड़ी मस्जिद नहीं है। और एक ख़ास बात, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद होने का भी इसे शर्फ हासिल है। इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी मस्जिद शायद कहीं भी नहीं है। ये देखिए, मस्जिद का बाहरी हिस्सा है ये, यहाँ पार्किंग वगैरह भी होती है यहाँ पर, और ये गार्डन है यहाँ पर, ग्रास। यहाँ पर भी नमाज़ अदा की जाती है जुमा में और ईदैन में, और जब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी होते हैं तो यहाँ पर बाहर का हिस्सा भी इस्तेमाल किया जाता है नमाजियों के लिए। कुल मिलाकर ये अंदर और बाहर मिलाकर 2.25 लाख लोग यहाँ बआसानी यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बेगम की वो कहाँ है, महल वगैरह कहाँ है, घर इनका? मस्जिद के उस साइड। अच्छा, तो है अभी तामीर है कि खराब है? तामीर नहीं है, वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, सरकार के कब्जे में है, सरकार उसको मतलब बंद कर रहा है। अच्छा, उनकी कोई वारिस है? उनकी वारिस तो नहीं है, सब खत्म हुआ गया जो दुनिया से। उनकी औलादे? औलादे भी नहीं है, कोई भी नहीं है, उनके नाम कोई भी नहीं है। देखिए कुदरत का नज़ारा, इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ा शहर, बेगम ऑफ भोपाल का शहर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर ये मस्जिद, ये शहर, लेकिन उनका आज कोई वारिस नहीं है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। अल्लाह का ये निज़ाम है, सब कुछ ख़त्म हो गया। उनकी बनाई हुई ये मस्जिद, ये इबादतगाह आज बाकी है, और जितना बड़ा उनका मकाम था इस शहर में, इस हिंदुस्तान में, आज उनका कुछ भी नहीं बचा। उनकी जो बेटी थी सुल्तान जहां बेगम, उनके बारे में कुछ बताइए। उनके एक बेटे थे हमीदुल्ला। क्या नाम था? हमीदुल्ला। हमीदुल्ला जी, नवाब हमीदुल्ला। नवाब हमीदुल्ला जी, और एक उबैदुल्ला नाम था। उबैदुल्ला जी, चार बेटे थे उनके। तो उनके अब कोई वारिस नहीं बचे? उनके कोई नहीं बचे, बेटों के बेटे, बेटे के बेटियां, उनकी बेटियां, उनकी बेटियां, वो बेटियां इनकी हुई थी जी, हमीदुल्ला की। हाँ, वो भी खत्म हो गई। तो जो उनका घर अब खंडर पड़ा है, घर सब खंडर पड़ा, कोई वहाँ पर आता जाता भी नहीं होगा? नहीं, वो पहले 47 के बाद लोग आए थे, सिंधी वगैरह को रख दिया था, उसके अंदर सब तोड़ काड़ के बर्बाद कर दिया। अब हुकूमत के कब्जे में है वो जी, हुकूमत के पास है जी। वैसे अभी ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है, नवाबी जो पूरी है, नवाब लोग, अब तो कोई नवाब रहे नहीं है। खाने बैठती थी जब तक पूरे लोगों से ऐलान करके नहीं पूछवा लेती, कोई खाने के लिए नहीं देखे, सब खाना खाते, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब के बाद बाकायदा आदमियों को भेज के मालूम करती कोई बात नहीं है, उसके बाद वो खाना खाती। यानी कोई शहर में भूखा ना रहे इस वजह से वो ऐलान करती थी जी, और उसके बाद खुद खाना खाती थी, बाद में खाती थी, ये मामूल था उनका जी। और नाश्ते का बाकायदा एक इंतजाम रखा था, होटल खोल रखी थी, उसमें फ्री जाओ और अपना खाना खाओ। आपको कुछ ख्याल है उस ज़माने का? भाई ये जो बता रहा हूँ यही ख्याल। और नमाज के लिए वहाँ पे लेडीज़ की मस्जिद अलग बनवाई थी, जो उनका काम करती थी वो लेडीज से नमाज पढ़ती थी, वही मस्जिद है जनानी। और दो मस्जिदें आम लोगों के लिए हैं,
गेट पे, गेट से साइड उसमें भी नमाज होती थी। जो वर्कर काम करते थे उनको नमाज पढ़ने भेजा, अलग अलग टाइम नमाज होती थी। लेडीज लोग का टाइम एक ही रखा था कि भाई साइड पर आपको। आप कब से यहाँ पर? 42 साल से आप यहीं पर ही मुस्लिम यहीं बैठे हैं 42 साल? नहीं, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा लगा, अच्छी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छी आपने अच्छी मालूम दी मुझे, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे आपको, और अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। चलिए मिलते भी एक मस्जिद में, छोटी सबसे दुनिया में से छोटी कई मस्जिद, 250 कितने दूर है यहाँ तक?